हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में। ऐसे तो एमएस एक्सेल में सारे फार्मूले इम्पॉर्टेंट हैं, सबका अलग अलग बेहतर यूज होता है, लेकिन आज कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिनके यूज हमेशा आपके काम आता है। तो चलिए, मैं आपको बताने के लिए एक्सेल में डाटा बना के रखा हूँ एक्सेल इम्पॉर्टेंट फार्मूला के नाम से। यहाँ पे मैंने, देखिए आपके सामने कुछ मोबाइल नंबर या ऐसे कुछ सीरियल नंबर में टाइप कर लिया चार बार, और ऐसे कुछ तीन नाम ही हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। हमने यहाँ फार्मूला के लिए आज बात करने वाले हैं लेफ्ट राइट मिड यानी मीडियम फाइंड और लेंथ के बारे में। LENTH लेंथ फार्मूला है। सबसे पहले हम लेफ्ट कैसे हुए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यह किसी टेक्स्ट को या किसी नंबर को लिखे हुए लेफ्ट साइड से जितने अंक आप चाहते हैं उतने अंक को उठा के अलग करेगा। जैसे इक्वल LEFT ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट पूछ रहा है, सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, उसके बाद नंबर। मैं यहाँ से अगर चाहता हूँ लेफ्ट साइड से तीन अंक, लेफ्ट साइड से चाहता हूँ मैं तीन अंक आ जाए, तो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे ऐसे और इंटर करेंगे। जो शुरू के तीन अंक थी आपको दिखाई देगी, देखिएगा। मैं चाहता हूँ शुरू के चार अंक दिखाई दे, तो फार्मूले बार में जाकर क्लिक करेंगे और चार लिख देंगे, बाहर क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे, तो देखिए आपके चार फार्मूले। ऐसे अगर ड्रैग करेंगे तो लेफ्ट मतलब आगे से चार चार अंक सब में आके जुड़ गया है। अब बात करते हैं राइट के लिए, तो इक्वल RIGHT राइट ब्रैकेट ओपन, पुनः टेक्स्ट पर जाएंगे, कॉमा देंगे। अब पूरा यहाँ पूछ रहा है कि राइट साइड से यानी 987 की तरफ से किस अंक को लेना है। मैंने लिख दिया तीन अंक को लेना है, तो जैसे तीन अंक को क्या करेगा, उठा लेगा। देखिए 987 तीन अंक है, इन तीनों अंक को उठा के यहाँ पे रख देगा। ये होता है राइट में यूज करने के लिए। अब बात करते हैं मीड में यूज करने के लिए। मीड यानी मीडियम, तो इक्वल MID मीड क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, कॉमा देंगे, स्टार्टिंग नंबर पूछेगा और एंड नंबर पूछेगा आपसे। मान लीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे 1 2 3 6 5 4 7 8 है, मैं चाहता हूँ 54 और 78 5 4 7 8 हमारे सामने अलग होकर आ जाए, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5। 5 अंक से लेके चलना है, तो 5 कॉमा लेके चलना है, 5 अंक से लेकर के चार अंक तक, चार लिखेंगे, क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। देखिए समझने वाली बात है मीड को, मतलब मैंने 5 से लिया, 1 2 3 6 है, उसके बाद 5 है, 5 से स्टार्ट हुआ चार अंक, तो 5 एक अंक, 4 एक अंक, 7 एट अंक और 8 एक अंक, सब में से चार चार अंक मीड से उठा लेगा यहाँ से। अब बात करते हैं फाइंड फार्मूला के बारे में, तो इक्वल FIND फाइंड का अलग अलग जगह अलग अलग कार्यों के लिए यूज किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है फाइंड। सबसे पूछा फाइंड टेक्स्ट मतलब क्या फाइंड निकाल सकता है। हम यहाँ पे इक्वल क्लिक करेंगे और हम चाहते हैं पोजीशन जानना, किसका, किसी अंक, किसी टेक्स्ट का। हम चाहते हैं कि 6 नंबर कितने पोजिशन पे, ये पता करने के लिए, तो हम फिर क्लोज करेंगे, कॉमा देंगे यहाँ से, विथ इन टेक्स्ट मतलब ये स्पेस को लेकर क्या करेगा बताएगा, फिर क्लोज करेंगे, तब उसमें देखिएगा पता चल जाएगा 6 कितने नंबर पे है। तो कभी भी आपको फाइंड फार्मूला के द्वारा, कभी भी आपको फाइंड फार्मूला के द्वारा जानना हो या समझना हो कि कौन सी अंक किस नंबर पे है, कौन सा टेक्स्ट किस नंबर पे है, तो हम उसके लिए फाइंड का यूज करते हैं। इक्वल FIND फाइंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, पूछ रहा है आपसे फाइंड टेक्स्ट यानी किसको आप फाइंड करें। मैं यहाँ पे लिख दिया 3, मैं 3 को फाइंड करना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे डबल कोर में लिखेंगे 3, डबल कोर क्लिक करेंगे, कॉमा देंगे, पूछ रहा विथ इन टेक्स्ट मतलब किसको, तो इस टेक्स्ट में से हम चाहते हैं फाइंड करना, क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे। तो तीन अंक तीन नंबर की पोजिशन पे है, पहले वाले में, दूसरे वाले जिस नंबर की पोजिशन पर होगी आपको यहाँ पे दिखाई दे देगी। तीन नंबर इसमें 7 नंबर पे है, इसमें 3 नंबर 4 नंबर पे, और इसमें 3 नंबर 6 नंबर पे, इस तरह हम जान सकते हैं। अब बात करते हैं लेंथ, लेंथ मतलब
ये पता करता है कि आपने जो टेस्ट नंबर टाइप कुछ भी टाइप किया है उसमें कितने अंक टाइप किए हैं, इसके लिए हम लेंथ फार्मूला कैच करते हैं। तो इक्वल एल ई एल एन ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे ये पूछ रहा है लेंथ टेस्ट, तो कुछ नहीं करना है आपको, टेस्ट को सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है, जितनी संख्या होगी सारी संख्या आ जाएगी। क्या किया अभी हमने, एक बार दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, इक्वल एल ई एन ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट पर जाएंगे और एंटर कर देंगे, जितनी भी संख्या होगी सारी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी विथ टेस्ट के साथ, टेस्ट को भी अकाउंट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा अमित कुमार हमने, तो चार अंक इसमें और पांच अंक इसमें, नौ अंक होना चाहिए, दस अंक है, तो ये क्या है, स्पेस है। अब फाइंड के द्वारा हमें स्पेस को अलग करना, फाइंड के द्वारा हमें स्पेस को जानना हो कि स्पेस कितने नंबर पे है, इसका स्थान कहाँ पे है स्पेस का, तो इक्वल एफ आई एन डी ब्रैकेट ओपन आएंगे डबल कोट, और हम चाहते हैं ये जानना कि स्पेस कितने नंबर पे है, तो यहाँ पे डबल कोट के बाद एक बार स्पेस देंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे, कॉमा दे देंगे, विथन टेक्स्ट के अनुसार पूछ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसे क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो देखिए फाइव नंबर पे इसमें स्पेस है, इसमें सिक्स नंबर पे, इसमें सिक्स नंबर पे स्पेस दिया हुआ है। इस तरह हम आसानी से जान सकते हैं कि कितने नंबर पे स्पेस है फाइंड के द्वारा भी। तो ये फार्मूला आपके बहुत काम आएगा, ध्यान से देखिएगा, और अच्छा लगे वीडियो मेरा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।